हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और ये है MIUI CSX मॉड जो कि Mi 11X के अंदर मैंने इंस्टॉल कर रखा है। और अगर आपके पास पोको F3 है तो आप उसके अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो। और बेसिकली ये जो मॉड है ये फिर से आपको स्टेबल इंडियन अपडेट के ऊपर बेस्ड देखने को मिल जाता है। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक और वीडियो आपको बना के दी थी, जो हमने MIUI का लेटेस्ट अभी रोम ट्राई किया था ना, वो भी 13.0.8 के ऊपर बेस्ड था, बट पोर्टेड रोम तो नहीं था, बट हाँ बेस वही यूज़ किया गया था। तो चलो अब इस MIUI CSX के अंदर आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, कैसी ऑप्टिमाइजेशन है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो भाई सब्सक्राइब बटन नीचे होगा तो प्रेस कर सकते हो, एंड वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर सकते हो। सबसे पहले चलेंगे सेटिंग्स के अंदर और इंटरफेस की बात करेंगे। तो ये आपको सैमसंग के वन UI से आपको इंस्पायर्ड आइकॉन पैक यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मिलेगा। सेटिंग के अंदर जाओगे कुछ ऐसे आइकॉन्स यहाँ पर अपडेटेड है, तो बेसिकली इसका जो थीम है वो आपको यहाँ पर मॉडिड देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर वैलोरेंट का आई थिंक ये लोगो आपको मिलेगा। और अगर आप ऑल स्पेक्स के अंदर आते हो तो यहाँ पर 2GB मेमोरी एक्सटेंशन है, एंड्रॉयड वर्जन 12 है, एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट आपको अगस्त 2022 से मिलेगा। और जो वर्जन यहाँ पर लिया है MIUI CSX 13.0.8 है और ये इंडियन स्टेबल अपडेट के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पे अगर आप कर्नल देखोगे तो रेड स्प्लैश CSX पर्फ प्लस कर्नल आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या कुछ इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे, उसके बारे में आगे बात करते हैं। अब मैं ना फीचर्स की बात करूंगा, तो फीचर्स आपको एक्सप्लेन करता हूं, देन बाकी चीज़ों के ऊपर चढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले के अंदर आओगे तो एंटी फ्लिकर मोड है, रीडिंग मोड आपको मिलेगा, कलर स्कीम के अंदर वही सारे ऑप्शन हैं, रिफ्रेश रेट का UI आपको न्यू वाला देखने को मिलता है। और इनिशियली जब मैंने इसको फ्लैश किया था और समटाइम्स ना ये 60Hz के ऊपर चल रहा था, बट उसके बाद मैंने इसको यहाँ से स्विच किया और AI इमेज इंजन आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। साउंड्स के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पर सेम मिलता है। हार्मन कार्डन ऑडियो का वैसे सपोर्ट है और नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर। और ऑफ कोर्स इस रोम के अंदर आपको मॉनेट थीमिंग देखने को मिल जाएगा, सो यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर के अंदर भी मिलता है, सो आप चेकआउट कर सकते हो। अब लॉन्चर है ना, वो भी आपका मॉडेड है, एज यू कैन सी आपको यहाँ पर सिपोलो वाला आई थिंक ये लॉन्चर मिलता है, जिसको हमने काफ़ी बार यहाँ पर डिस्कस कर रखा है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। एनिमेशन स्टाइल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, इनको आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर लेना। अब यहाँ पर जो यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी इसमें सब कुछ सेम मिलता है। बैटरी में आपको ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मोर में आओगे तो यहाँ पे रीजन आप चेंज नहीं कर सकते, आई डोंट नो वाई, बट ये एक स्टेबल इंडियन अपडेट है, यहाँ पर आपको जो है रीजन चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। स्पेशल फीचर्स के अंदर साइड बार है, फ्रंट कैमरा असिस्टेंट आपको मिलेगा, जो कि आई थिंक यहाँ पे मे भी वर्क करता है या फिर नहीं, आई डोंट नो, और कैसे वर्क करता है वो भी मेरे को नहीं पता। क्विक रिप्लाइज हैं, फ्लोटिंग विंडोज़ आपको मिलेगा, सेकंड स्पेस है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन लैब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो दैट्स इट, ये आपको यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और आपको मिलती है, वो है यहाँ पर अगर आप आते हो वॉलपेपर के अंदर, तो यहाँ पे आपको सिस्टम वॉलपेपर्स में काफ़ी ज़्यादा बंच ऑफ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। ये वैसे CSX बेस्ड आपको वॉलपेपर्स मिलते हैं, जिसमें आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मस्त मस्त वॉलपेपर्स आपको मिलते हैं, तो कोई भी ट्राई कर सकते हो। और रोम का जो बूट एनिमेशन है वो भी वैलोरेंट वाला आपको मिलता है। अब देखो भाई, जब मैं रोम को फ्लैश कर रहा था तो मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर कैमरा आपको ब्लैक देखने को मिल रहा है, बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस यहाँ पर जो स्टॉक कैमरा है वो लाइका वाला मिलता है, जिसमें 4K 60fps इस वीडियो का ऑप्शन है और ये काफी परफेक्टली वर्क कर रहा है। एटलीस्ट Mi 11X के ऊपर तो कोई बग वगैरह नहीं मिला। और यहां पे अगर आप देखोगे लॉन्ग एक्सपोजर मोड वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, इवन जो स्लो मोशन वीडियोज है ना वो भी यहां पर आपकी मैक्सिमम क्वालिटी के ऊपर आपका वर्किंग है। सो कोई प्रॉब्लम मेरे को एटलीस्ट यहां पर इस कैमरा के रिगार्डिंग नहीं आई। अब मैं रोम के अंदर स्मूथनेस की बात करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड काफी स्मूथ आपको देखने को मिल जाती है। एंड वैसे समटाइम्स कुछ ऐप्स के अंदर आपको इशू आ सकता है, यहाँ पर जैसे कैमरा क्लोज करते हैं थोड़ा सा जिटरीनेस आपको फील हो सकता है, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी तगड़ा आपको मिल जाता है। रोम के अंदर काफ़ी अच्छी स्मूथनेस है, सो ये चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आने वाली। सो एक्सपीरियंस अच्छा है, कोई प्रॉब्लम मेजर आपको यहाँ पर नहीं आने वाली, बट ये स्मूथेस्ट रोम आपको नहीं मिलती, ये चीज़ ध्यान में रखना, बाकी यहाँ एक्सपीरियंस अच्छा आपको मिलेगा, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। चलिए अब ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो आपको जाननी काफी जरूरी है। सबसे पहले आपका जो डिवाइस है वो आपको सर्टिफाइड मिलेगा और बैंकिंग एप्स विदाउट रूट वर्किंग है। मैंने गूगल पे यूज किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई,
DRM Info के अंदर वाइड बैंड L1 है। 3D Mark के अंदर स्कोर्स आपको ये वाले मिल जाते हैं, कोई मैंने गेम टर्बो इस बार ऐड नहीं किया। Geekbench 5 के स्कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पर भी गेम टर्बो को ऐड नहीं किया गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं गूगल फोटोज ऐप की, एंड इसके बारे में तो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड बैकअप का ऑप्शन मिल जाता है। स्पूफिंग यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ये रोम के अंदर चार्जिंग स्पीड है, उसके बाद यहाँ पर चार्जिंग के टाइम में मैक्सिमम टेम्परेचर मैंने नोटिस किया कि जो टेम्परेचर है 44-45 डिग्री के आसपास भी चला जाता है, और स्पीड 5000 प्लस ही मिल रही थी, बट जो टेम्परेचर है वो लिटिल बिट ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो हीटिंग इश्यूज आपको चार्जिंग के टाइम में फेस करने पड़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीपू थ्रॉटलिंग ग्राफ की, तो 95% तक सीपू थ्रॉटल होता है 233,000 के आसपास मैक्सिमम GIPS, और एवरेज है 225,000 के आसपास। और आई थिंक मैंने इसके अंदर भी गेम टर्बो को ऐड नहीं किया, बट यहाँ पर जो सीपीयू क्लॉक स्पीड है वो मैक्सिमम आपको पहले से ही देखने को मिल जाती है 3.18 GHz। और बैटरी कंजप्शन शेयर कर देता हूँ, सो नॉर्मली मैंने यूज़ किया रोम को, तो यहाँ पर जो एक्टिव ड्रेन है वो 7% पर आर के आसपास मेरे को मिला, कोई हैवी टास्क नहीं किया था। और आइडल ड्रेन 0.26% पर आर के आसपास है। आइडल ड्रेन आप यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो, और ये गेमिंग के साथ में कंजप्शन है मेरा मिक्सड यूसेज के ऊपर, सो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा बैटरी कंजप्शन मिलेगा, और डीप स्लीप वगैरह काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब मैं BGMI का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। वैसे आपको 90 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, आप अगर 90 FPS के अंदर गेमिंग करना चाहते हो तो वो आपके लिए प्रेजेंट है, और 90 FPS के अंदर गेमिंग काफ़ी तगड़ी आपको मिल जाती है। परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, मेरे को कोई मेजर लैग वगैरह यहाँ पर जो है नहीं फेस करना पड़ा अगर मैं BGMI की बात करता हूँ। इवन अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन करते हो तब भी आपको कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं आने वाला जिसमें मेजर लैग वगैरह होगा, तो कोई ऐसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद FPS काफ़ी अच्छा रहता है, टच कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे हैं, एंड ऑप्टिमाइजेशन आपको मिल जाती है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लॉन्ग आवर्स तक गेमिंग करोगे तो आपका डिवाइस यहाँ पर हीट अप होगा, एंड अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो भाई हीटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, और ये चीज़ आपको इस रोम के साथ में भी मिल जाती है। गेमिंग रोम डेफिनेटली आपको मिलती है, और आप इसको ट्राई भी कर सकते हो, और बस इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हीटिंग इश्यूज अगर आप लॉन्ग टर्म तक गेमिंग करोगे तो आपका टेम्परेचर में भी 45-46 के आसपास चला जाएगा, बट जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी तगड़ी मिलने वाली है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।